देखिए, आपने करण जौहर की बड़े पार्टीज की वीडियो देखी होगी, फोटोज भी देखे होंगे, मगर बेचारे करण की खुद की पार्टी में ही पोपट हो गया। और इसलिए पार्टी के बाद करण को गुस्सा आया और अनाउंस कर दिया, भैया मैं जा रहा हूँ बनाने बहुत बड़ी बजट की फिल्म, जिसके आगे पुष्पा, RRR और KGF 2 भी कुछ नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या ये मांजरा। देखो, करण का बर्थडे पार्टी को लेकर पूरी बॉलीवुड एक्साइटेड था और पूरा बॉलीवुड को न्योता गया था, इसलिए लगभग सारे लोग वहां पहुंचे थे। एवरीबॉडी वांट्स टू ज्वाइन करण पार्टी, जैसे कि हर साल होता है, और पता नहीं कब किसकी किस्मत खुल जाए, क्योंकि करण पार्टी में ज्यादातर एक्टर्स को फिल्में ऑफर कर देते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं मूवी मेकर्स में धर्मा प्रोडक्शन का ही नाम बॉलीवुड में सबसे आगे। देखिए, करण जौहर इस बार बॉलीवुड वालों के लिए उतना बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे थे जितना वो पैन इंडिया स्टार के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि भाई करण जौहर जितना भी एक्टिव है पैन इंडिया सितारों के साथ, उतना बॉलीवुड से शायद ही कोई होगा, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेट रहा है साउथ के लोगों को। और भैया देखो, उन्होंने न्योता भेजा था पार्टी के लिए राजामौली सर को, NTR को, रामचरण को, क्योंकि इनके साथ RRR में काम किया था, और साथ में ये खुद कितने राजामौली और रामचरण की फैमिली की पार्टी अटेंड की है करण जौहर, और शायद इनको प्रभास और राणा डग्गुबट्टी से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इन लोगों के साथ ये पीछे काम कर चुके, मगर इनकी पार्टी में इनके सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सबको इन्विटेशन देने के बाद भी पार्टी में कोई नहीं पहुंचा, और भाई आपको प्रभास का पता ही होगा, ये बंदा खुद की पार्टी में भी ना जाए, इतना शर्मिला है। और यही सब चीज करण को काफी ज्यादा बुरी लगी, इसी चीज के लिए करण ने पार्टी में खूब हंगामा भी किया, और पार्टी के बाद गुस्से में अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हम जा रहे हैं बहुत बड़ी बिग बजट की एक्शन फिल्म बनाने, जो पुष्पा, RRR और KGF 2 को पछाड़ देगी। टू बी फ्रेंक, मैं आपको बता दूं, मूवी बिग बजट से बड़ी नहीं बनती, मूवी बड़ी बनती है अच्छी कहानी से, अच्छी एक्टिंग से, एक अच्छे डायरेक्टर के विजन से, और इस वक्त बॉलीवुड के मेकर्स का विजन हिला हुआ है। ऐसा नहीं कि तुमने 500,000 करोड़ का मूवी बना लिए और आप उम्मीद करोगे फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। भैया KGF 2 मात्र 100 करोड़ की बजट में बनी है, जो 1,000 करोड़ कमा गई। और वहीं बॉलीवुड की बच्चन पांडे 200 करोड़ में बनी है, क्या हुआ 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई। और भाई करण, अपने मूवी कलंक को ही देख लो, जिसमें आपने काफी ज्यादा पैसा लगाया था या कहो जलाया था, और रिजल्ट रही फ्लॉप। और भाई लोग, आप भी दिमाग से ये बात निकाल दो, करण जौहर बड़ा पैसा लगाकर बड़ी फिल्म बना देंगे। भाई बड़ी फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत, डेडिकेशन और विजन की जरूरत पड़ती है, जो इस वक्त बॉलीवुड से कई गुना ज्यादा हमारे पैन इंडिया सितारों के पास है। वेल, इस वक्त नाराजगी का दौर चल रहा है, अब देखते हैं करण जौहर अगला क्या स्टेप लेते हैं, किस किस को मूवी में लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं। और इनके पास तो ऑप्शन भी बहुत कम है, क्योंकि कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना जैसे टैलेंटेड एक्टर को तो इन्होंने बॉयकट कर रखा है, और फिल्म करेंगे भी तो स्टार किड के साथ ही करने वाले हैं, या अनन्या पांडे, वरुण धवन या अर्जुन कपूर, क्योंकि बाहर के लोग ये चांस देते नहीं। बाकी आप कमेंट करके बताओ, करण की अगली फिल्म में किसको रखना चाहिए, स्टार किड्स या टैलेंटेड आउटसाइडर, अपनी राय जरूर दें। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अलविदा।